हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आजकल सबके बाल पतले हल्के होते जा रहे हैं दिन पे दिन, और झड़ने की वजह से लोग कटवा कटवा के उसको छोटा करवाते जा रहे हैं। तो मैं टिप्स लेके आई हूँ जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके बाल झड़ना रुक जाए एंड उसकी ग्रोथ अच्छी हो, जिसकी वजह से आपके बाल भी लंबे हो जाएंगे। तो आप ये ट्राई ज़रूर करना, एंड आप मुझे जो भी ट्राई करें जिसका भी फ़ायदा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जिसको फ़ायदा ना हो वो इसको छोड़ दीजिएगा, हो सकता है आपको सूट ना करे। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपने चेहरे के लिए तो जाने अभी तक जानते होंगे, बट ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा पहले झड़ गए थे, अभी जो ग्रोथ है इसकी वजह से ही है। जब भी मेरा हेयर फॉल शुरू होता है मैं ग्लिसरीन ले लेती हूँ, और कोई भी माइल्ड शैम्पू, माइल्ड शैम्पू मतलब जैसे कि पतंजलि का शैम्पू हो गया, आयुर्वेदा का शैम्पू हो गया, जो भी जैसे कि माइल्ड शैम्पू, आयुर्वेदिक शैम्पू जिसमें कि केमिकल की मात्रा थोड़ी सी कम हो वो यूज कीजिए। उसके साथ शैम्पू, जैसे शैम्पू को बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे इसका जो ढक्कन है इस ढक्कन से हाफ आपको शैम्पू अपने बाल के अकॉर्डिंग लेके, इस ढक्कन का हाफ ग्लिसरीन लेके पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है, और बालों पे अप्लाई करके अच्छे से पूरा ऐसे ऐसे मसाज करना है, जड़ की जितनी भी स्कैल्प में गंदगी हो वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद से वॉश कर देना है। ऐसा आप 2-3 बार करोगे तो आपको फ़र्क दिखेगा, और आपका हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और जो बालों में उलझता है बाल वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और मुझे एक मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि मैम मेरे बाल बहुत पतले हैं, जिसकी वजह से जो मेरा क्राउन एरिया है वहाँ पे हेयर बहुत कम दिखते हैं, तो आप इस तरीके का कोई हेयर स्टाइल बताइए। तो डियर, आज मैं आप लोग आपके लिए वही हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ। तो पतले हल्के छोटे बालों में पहले तो आप ये वाला टिप्स अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाए और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। और जिसके भी बाल यहाँ से पतले क्राउन एरिया से बहुत ज़्यादा कम है, सबसे तो पहले आप तो यहीं पर हाई बन बनाइए, जिसकी जिससे आपका एक तो क्राउन एरिया हाइड हो जाएगा और आपका बन भी ऊँचा रहेगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो उसके लिए मैं एक हेयर स्टाइल लेके आई हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे आपका जो क्राउन एरिया है वहाँ पे आप हेयर बन बनाइएगा, जिससे कि आपका क्राउन एरिया हाइड हो जाए। और मुझे पैड बन की मदद, पैड बन से भी हेयर स्टाइल बनाने की रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो भी बहुत जल्दी पूरा करने वाली हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको हेयर ले लेना है। अगर आप क्राउन एरिया पे बन नहीं बना सकते हो तो इस तरीके से हेयर ले लो और थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग कर दो। बैक कॉम्बिंग करने से क्या होगा, जो आपके क्राउन एरिया पे बहुत ज़्यादा कम हेयर है ना, तो वहाँ पे बैक कॉम्बिंग की वजह से हेयर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा दिखेगा, और जो आपका क्राउन एरिया है वो अच्छे से हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है, जिससे कि यहाँ पे आपके हेयर का जो वॉल्यूम है वो अच्छा आ जाएगा। इसके बाद एक आप सेटिंग स्प्रे ले लेना। ओके, सेटिंग स्प्रे को ऐसे मार देना है और फिर ऐसे रखोगे तो जैसे मेरे तो हेयर थोड़े से ठीक है तो मेरा वॉल्यूम आ जा रहा है, लेकिन आपका जो क्राउन एरिया पे स्कैल्प दिखता होगा वो हाइड हो जाएगा इसके वजह से, को बैक कॉम्बिंग करने की वजह से। और आप इजीली इस तरीके से आराम से कॉम्ब कर लोगे, और कॉम्ब करने के बाद से इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करना है बालों को और आगे की तरफ पुल करना है। आपका जो क्राउन एरिया वो अच्छे से हाइड भी हो जाएगा और आपका जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश दिखेगा। उसके बाद आपको क्लिप की मदद से इसको सेट कर लेना है, और ये बैक कॉम्बिंग करोगे ना तो जैसे कि आपका जो बीच से अगर आपकी मांग निकल जाती है, फट जाता है हेयर, तो वो भी अच्छे से रहेगा और मैनेज दिखेंगे आपके हेयर। ये आप वेडिंग सीजन चल रहा है तो जिसके भी बहुत पतले हेयर हैं क्राउन एरिया पे ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं आप, उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से कर लेना है जो आपके फ्रंट के हेयर हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बाल पे ही बन रहा है, आपके भी बाल पे इजीली बन जाएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा पतला बाल है, क्राउन एरिया दिखता है, तो आप इस तरीके से बैक कॉम्बिंग 2-3 बार कर लीजिएगा। मैंने एक बार ही किया है, उसके बाद आप ऐसे हाइड करके, अगर फिर भी आपका यहाँ का हेयर बहुत कम है तो आप थोड़ा सा हेयर आगे से ले लीजिए और इसको इस तरीके से कॉम्ब करके, अगर बहुत पतले बाल हैं तो, नहीं तो जैसे मैंने किया उसने में ही आपका अच्छे से बन जाएगा। फिर फ्रंट से थोड़ा सा हेयर ले लीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छा आ जाए, और इस तरीके से करके अपने जो आपने जो क्लिप लगाया है उसके अंदर ही इसको अच्छे से लगा दीजिए, और नहीं तो आप अलग से भी क्लिप लगा सकते हो। ओके, देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग आ गया है और बहुत अच्छा लुक आ जाएगा आपका इस तरीके से। थोड़ा सा हेयर फ्रंट से ले लीजिए और सिंपली आप जो अपने अपने पफ बनाया था उसके ऊपर से ले जाके और क्लिप की मदद से सिक्योर कर दीजिए। अभी जो ये हेयर बचे हैं
बहुत पतले बाल हैं तो आपको ये ब्राइड वगैरह बनाने में दिक्कत होगी, तो सिंपली ट्विस्ट कर लीजिए। ओके, ट्विस्ट कर करके थोड़ा थोड़ा हेयर ले लीजिए साथ साथ में और उसको ट्विस्ट करते जाइए। जब आप ट्विस्ट करोगे तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींचते जाइए, और ट्विस्टिंग को ऐसे करके नहीं करना है, उससे क्या होगा कि आपकी स्कैल्प दिखेगी। ऐसे करके बनाना है जिससे कि आपकी स्कैल्प ज़्यादा ना दिखे, और इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना, पीछे की तरफ ही रख के ट्विस्ट करते जाना है। अगर आपके घने बाल हैं फिर तो हो जाएगा, लेकिन पतले बालों के लिए बता रही हूँ, तो पतले बाल वाले अगर ऐसे करके ट्विस्टिंग करेंगे तो उनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा दिखेगी, जिसकी जिसकी वजह से हेयर स्टाइल ख़राब लग सकता है। तो आप इस तरीके से करके बनाइएगा और इसको क्लिप की मदद से सिक्योर कर लीजिएगा। ओके, तो ये आज मैं ब्राइडल बन भी बोल सकते हैं इसको, पतले हल्के बालों में इस तरीके से कोई भी वेडिंग बन है जो ब्राइडल पे भी बना सकते हो, एंड कोई भी लेडीज हैं जिनके हेयर बहुत पतले हैं तो वो साड़ी वाड़ी पे भी ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद से सेटिंग स्प्रे जरूर लेना है आपको, जिसके पतले हेयर हैं वो पहले तो एक सेटिंग स्प्रे खरीद के रख लो, ताकि जो यहाँ के हेयर स्कैल्प दिखते हैं उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाओ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड बना लेना है। देखिए, यहाँ से ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ से इस तरीके से ट्विस्ट स्टार्ट करना है, जिससे कि आपकी स्कैल्प कम से कम दिखे। ओके, पहले ये वाला लेयर लेना है ऊपर की तरफ ही, इस तरीके से अच्छे से ट्विस्ट कर लीजिए। फिर सेकंड लेयर लीजिए, इसको भी मिक्स करते करते ट्विस्ट करते जाइए। ओके, पूरा ईयर के ईयर तक हेयर को ले लेना है और इस तरीके से ट्विस्ट करके बैक में लेके जाना है और क्लिप की मदद से सिक्योर कर देना। तो फ्रंट का लुक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपके बाल पतले हैं। आप ट्राई ज़रूर करना, उसके बाद से बताना। तो अगर आपके बाल थोड़े से हैवी हैं या शॉर्ट लुक में हैं, पतले हैं और छोटे हैं, तो आप इस तरीके से करके इसको ओपन छोड़ दो। अगर आपने अभी फ़िलहाल में ही कटिंग कराई है जिससे कि आपका नीचे का वॉल्यूम थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो आप इस तरीके से बना के टीका ऐड करके आप बालों को छोड़ सकते हो और काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा आपके बालों में और बिल्कुल भी भद्दा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप छोड़ सकते हो फ्रंट हेयर स्टाइल में, सॉरी फर्स्ट हेयर स्टाइल में इस तरीके का लुक कुछ आ जाएगा पतले हल्के बालों में, जिससे कि काफ़ी अच्छा दिखेगा। अपने अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा लेयर्स वगैरह ना कट करवाएं, आप सिंपल स्ट्रेट या यू में कट कराएं। हाँ, और क्राउन एरिया से जैसे आपके हेयर बहुत कम है तो आप उसको थोड़ा सा इस तरीके से उठा के एडवांस स्टेप वगैरह में कटिंग कराओगे तो आपका यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम भी हो जाएगा एंड आपका हेयर भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आपके अगर बहुत ज़्यादा ऊपर से स्कैल्प दिखते हैं तो आप ऊपर के लेयर कट जरूर करवाइएगा, उससे आपका हेयर अच्छा दिखता है। लेकिन नीचे का जो हेयर होता है उसको वी में यू में मत करवाइए, नीचे एकदम स्ट्रेट कट करवाइए, ऊपर से एडवांस स्टेप वगैरह में करवाइए, जिससे कि आपका हेयर का लुक अच्छा आ जाए एंड आपका स्कैल्प भी ना दिखे। और ये स्कैल्प बहुत ज़्यादा दिखती है, ब्राइडल बन वगैरह बनाना है तो इस तरीके का टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, और जो मैंने टिप्स बताया वो भी ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आपका हेयर फॉल कुछ हद तक कम हो पाए। उसके बाद से सारे हेयर को एक साथ ले लेना है। और मुझे एक और कमेंट आ रही थी, मेरे व्यूवर्स ने एक कमेंट किया था कि मैम मुझे इस टाइप का हेयर स्टाइल बताइए, पैडेड बन के साथ कोई हेयर स्टाइल बताइए। बस पैडेड बन नहीं है, पैडेड बन भी इसी तरीके से डोनेट की तरह ही होता है, बट बीच में उसके होल नहीं होता है। तो मैं इस तरीके का हेयर स्टाइल आपको आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ, तो आप पैडेड बन के साथ वो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से एक रबर बैंड लगा लेना है, उसके बाद इस तरीके से सिंपली बन को अपने डोनेट के नीचे या फिर ऊपर में रख दीजिए, हेयर के ऊपर या नीचे में रख दीजिए। तो मैं यहाँ ऊपर पे रख दे रही हूँ। उससे पहले अपने जो आपने आपका जो हेयर है उसको ट्विस्ट कर लीजिए, इस तरीके से होल करना है, सिंपली ट्विस्ट करके नीचे की तरफ से खींच लेना है और इसको टाइट कर देना है। उसके बाद जो आपके पास पैड बन है उसको ले लेना है, देन ऊपर में लगा के और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर करना है। ओके, यहाँ पे रखना है जस्ट रबड़ के ऊपर में, और इसको अपने आपका जो पैड बन है उसको आराम से यहाँ पे सेट कर लेना है। इसी तरीके से आपको पैड बन को भी सेट करना है, जैसे मैंने डोनेट को सेट किया यहाँ पे। उसके बाद सिंपली अपने हेयर को ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाना है। इस तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छा लुक आ जाएगा आपके बन का, पतले बालों में भी।
इसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा हेयर चाहिए होगा, बहुत छोटा हेयर होगा तो आपसे ये हेयर स्टाइल हो सकता है कि ना बन पाए बढ़िया से। अब ड्यूनेट को अच्छे से हाइड करते हुए यहाँ पे रबड़ बैंड को लगाना है, एक पतला सा रबड़ बैंड लेके, और ये वेडिंग बन हेयर स्टाइल है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको जितना भी आपका हेयर एक्स्ट्रा बचा है उसको ड्यूनेट के अंदर इंसर्ट, इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। ओके, और यू पिन से इसको अच्छे से सेट कर लेना है अपने बन को। यहाँ से थोड़ा सा हेयर ले लीजिए बन का, एंड स्कैल्प के हेयर के साथ इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए चारों तरफ से। तो जिनके भी बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं, हल्के बाल हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल पाए अपना हेयर स्टाइल बनाने में, एंड शादी पार्टी में उनका लुक भी काफ़ी अच्छा आ पाए। और उसके बाद से आप गजरा सेट कर लीजिएगा बालों में, तो ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया है आपके छोटे पतले बालों में, इतना सुंदर सा हैवी बन बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके के फ्लावर्स आते हैं, आप ले सकते हो इसको, एंड अपने बन को और भी अच्छा लुक देने के लिए ये फ्लावर्स ऐड कर सकते हो बन के साथ, जहाँ जितने फ्लावर्स चाहिए आप ऐड कर लीजिएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, पतले हल्के बालों में ये हैवी सा बन एंड टिप एंड ट्रिक्स कैसे लगे मेरे। आई होप कि पसंद आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।